जम्मू में JKSSP के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का किया घेराव। कश्मीर घाटी में 6 जगहों पर NIA का छापा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों के खिलाफ एक्शन। निदेशक मिशन जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका की इंदु कवल चिप ने आज मार्च 15 से 25 मार्च तक श्रीनगर में होने वाली सरस आजीविका मेला के बारे में मीडिया को दी जानकारी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए खोला पिटारा, 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश। जम्मू कश्मीर बजट में महिलाओं के लिए पिंक टैक्सी, तो GMC में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गांदरबल पुलिस ने DPL गांदरबल के स्कूलों, संस्थानों, धार्मिक स्थलों में कंप्यूटर सिस्टम और वाटर डिस्पेंसर किए वितरित। सोपोर में आतंकी मददगार गिरफ्तार, पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने पकड़ा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिला के सदरकूट बाला गांव में पत्थर खदान के काम को जारी प्रतिबंध के खिलाफ आज सैकड़ों श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामगढ़ विधानसभा में 19 मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा POJ के रिफ्यूजी कैंप में पहुंचेंगे, रिफ्यूजियों की समस्याओं को सुनेंगे। आज DC सांबा ने दौरे से पहले पंचायत प्रतिनिधियों, रिफ्यूजी शरणार्थियों के साथ की बैठक। इंटरव्यू के 3 घंटे के भीतर ही जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने निकाला परिणाम, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कल बजट पेश होने के बाद आज पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में मीडिया को किया संबोधित। अनंतनाग जिला के दूरस्थ क्षेत्र अलहन बाला कोकरनाक में सिंहपुरा वैलू सुरंग पर काम करने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए वन विभाग और PRI सदस्यों ने जिला प्रशासन के सहयोग से लगाया जनता दरबार। जम्मू कश्मीर प्रदेश में आज मौसम साफ, 16 से 17 मार्च को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया फैसला, अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिवारों को अब मिलेंगे 25 लाख। देश में प्राकृतिक आपदाओं में से एक साल में 2000 लोगों की मौत, 18 लाख हेक्टर फसलें हुई बर्बाद। भाजपा नेता टी राजा सिंह बोले, शहरों के नाम बदलना सिर्फ शुरुआत, 2026 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, दुनिया कर रही है स्वीकार, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। वरिष्ठ पत्रकार देव प्रताप वैदिक का निधन, 78 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। H3N2 के साथ H1N1 या स्वाइन फ्लू के तेजी से बढ़ रहे मामले, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस।